तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि रूस से मिसाइल मिलते ही ईरान से पहले हिजबुल्ला ने इजराइल पर किया सबसे बड़ा हमला। इजराइल के 4 मिसाइल बेस को किया तबाह। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम हमला रोकने में विफल। इजराइल में लगी इमरजेंसी। 10 साल में पहली बार मोदी सरकार को लोकसभा से लगा झटका। लोकसभा में पास नहीं हो सका वक्फ संशोधन विधेयक। विपक्ष ने किया था जमकर विरोध। शेख हसीना के बांग्लादेश से भागने के बाद बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया बने मोहम्मद यूनिस। प्रधानमंत्री मोदी राहुल गांधी ने दी बधाई, कहा जल्द हालात हो सामान्य। हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत पर पहली बार बोला सऊदी अरब। दे दिया इजराइल को झटका, कहा इस्माइल हानिया की हत्या गलत। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को एआईएमएम के नेता ने बताया कर्म का फल, कहा फिलिस्तीनियों की मौत पर हिंदुओं ने जताई थी खुशी। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ईरान से पहले इजराइल पर हिजबुल्ला ने किया सबसे बड़ा हमला। मिसाइल बेस को किया टारगेट, नेतन्याहू की उड़ी नींद। जब दोस्तों आपको बता दें कि ईरान से पहले हिजबुल्ला ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया है, जिसमें इजराइल के 4 मिसाइल बेस तबाह हो गए हैं और इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम इन मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा। दरअसल आपको बता दें कि रूस और ईरान से विध्वंसक हथियार मिलने के बाद हिजबुल्ला ने यह हमला इजराइल पर किया है। वहीं आपको बता दें कि हिजबुल्ला के लड़ाकों ने कुछ ही घंटों में उत्तरी इजराइल में अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया है। हिजबुल्ला के रॉकेट हमले में न सिर्फ इजराइल के शहर बल्कि इजराइल के 4 सैन्य बेस भी दहल गए हैं। हिजबुल्ला ने इतना विध्वंसक आक्रमण किया है कि उत्तरी इजराइल में नेतन्याहू को बार इमरजेंसी लगानी पड़ी है। वहीं आपको बता दें कि हिजबुल्ला द्वारा लगातार किए गए हमलों से इजराइल दहल उठा है और इजराइल की कई इमारतें तबाह हो गई हैं। दूसरी तरफ इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम भी हिजबुल्ला की मिसाइल नहीं रोक पाया और इजराइल को खरबों रुपये का नुकसान हुआ है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी सरकार को लगा लोकसभा से बड़ा झटका। लोकसभा में पास नहीं हो सका वक्फ बोर्ड संशोधन बिल। जब दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार को 10 साल में पहली बार बड़ा झटका लोकसभा में लगा है। दरअसल आपको बता दें कि लोकसभा में केंद्र की मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड विधेयक 2024 को पेश किया था। सदन में भारी हंगामे के बीच बिल तो पेश हो गया, लेकिन मोदी सरकार इस बिल को पास नहीं करा सकी। मोदी सरकार द्वारा बिल पेश किए जाने के बाद मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने कहा यह बिल अधिकारों पर चोट है। कांग्रेस ने कहा यह बिल संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी और एएमएम पार्टी ने विधेयक का जमकर विरोध किया। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के विरोध के बाद मोदी सरकार के पास इतनी संख्या नहीं थी कि वो लोकसभा और राज्यसभा में इस बिल को पास करवा दे। वहीं आपको बता दें कि मोदी सरकार इस बिल को तो बहुत जोर शोर से लेकर आई, लेकिन लोकसभा में मोदी सरकार इस बिल को पास नहीं करा पाई। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ईरान से जंग की आहट के बीच अमेरिका की तैयारी, तैनात किए लड़ाकू विमान। जब दोस्तों आपको बता दें कि ईरान इजराइल के बीच जंग की आहट है, मिडिल ईस्ट में हालात बहुत नाजुक बताए जा रहे हैं। इधर अमेरिका भी अपनी तैयारी करता नजर आ रहा है। अमरीकी वायुसेना के F-22 रैपर विमान अमरीकी सेंट्रल कमांड के जिम्मेदारी वाले क्षेत्र में पहुंचे हैं। अमरीका का ये प्लान ईरान या उसके सहयोगियों द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर तनाव बढ़ाने की संभावना को कम करने के लिए क्षेत्र में अमरीकी सैन्य स्थिति में बदलाव का हिस्सा माना जा रहा है। अमरीका मध्य पूर्व में लड़ाकू विमानों अन्य साधनों को तैनात कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इजराइल पर ईरान और हिजबुल्ला के हमले कभी भी हो सकते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया बने मोहम्मद यूनिस। प्रधानमंत्री मोदी राहुल गांधी ने दी बधाई। जब दोस्तों आपको बता दें कि शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़कर भारत आने के बाद नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद यूनिस को आज बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का मुखिया बना दिया गया है और उन्होंने अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ भी ले ली है। राजधानी ढाका में राष्ट्रपति के सरकारी आवास बंग भवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया था। शपथ के लिए मोहम्मद यूनुस बंग भवन पहुंची और फिर उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली। उनके साथ 16 अन्य सहयोगियों ने भी शपथ ली है, जिसमें 2 महिलाएं और 2 हिंदुओं को भी शामिल किया गया है। अंतरिम सरकार के गठन पर प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी ने बधाई दी है।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो हमास चीफ की मौत पर पहली बार बोला सऊदी अरब, दे दिया इजराइल को तगड़ा झटका। जय दोस्तों आपको बता दें कि तेहरान में इस्माइल हानिया की हत्या को लेकर सऊदी अरब की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसने इजराइल की नींद को उड़ा दिया है। सऊदी अरब का कहना है कि ये हत्या ईरान की संप्रभुता का घोर उल्लंघन है। बीते रोज 7 अगस्त को इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक हुई थी। इस बैठक में सऊदी अरब के उप विदेश मंत्री द्वारा ये बात कही गई है। OIC की बैठक के बाद ये कहा गया है कि इस प्रकार के हमले के लिए वह इजराइल को जिम्मेदार मानता है। इस बैठक की अध्यक्षता गाबिया के विदेश मंत्री ने की है। गाविया के विदेश मंत्री ने भी सऊदी की तरह ही मिलती जुलती टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि हानिया की हत्या से मिडिल ईस्ट में वार की स्थिति पैदा होने का खतरा है। OIC की बैठक में ये भी कहा गया है कि इस्लामिक देशों को इजराइल से अपनी रक्षा करनी होगी। हालांकि इस्माइल हानिया की मौत की जिम्मेदारी अब तक इजराइल ने नहीं ली है और ना ही इसे लेने के लिए वो कह रहा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बताया कर्म का फल, का फिलिस्तीनियों की मौत पर हंस रहे थे हिंदू। जदोस आपको बता दें कि बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार गिरने के बाद हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को AIMM के एक नेता ने कर्म का फल बताया है। खुद को AIMM दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बताने वाले डॉक्टर सोएब जोइम ने कहा कि फिलिस्तीन और रोहिंग्या मुसलमानों के नरसंहार का मजाक उड़ाने वाले लोग आज दुखी और चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि इसे कर्म का लौटकर आना कहते हैं। शोएब का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि BJP सहित भाजपा के कई नेताओं ने दावा किया था कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, इसलिए सरकार इस पर रोक लगाने की मांग करे और भारत सरकार हिंदुओं की मदद करे। लेकिन AIMM ने कहा है कि जहां फिलिस्तीनियों को जिंदा मारा जा रहा था, उनके साथ गलत काम किया जा रहा था, रोहिंग्या मुसलमानों को म्यांमार में मारा गया, तब भारत के हिंदू और बांग्लादेश के हिंदुओं ने मजाक उड़ाया था और खूब मजे लिए थे, लेकिन आज जब उन पर बीत रही है तो वो इसको अत्याचार बता रहे हैं। देश में अंतरिम सरकार के मुखिया बने मोहम्मद यूनिस, प्रधानमंत्री मोदी राहुल गांधी ने दी बधाई। जदोसा आपको दादे की शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़कर भारत आने के बाद नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद यूनिस को आज बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का मुखिया बना दिया गया है और उन्होंने अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ भी ले ली है। राजधानी ढाका में राष्ट्रपति के सरकारी आवास बंग भवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया था। शपथ के लिए मोहम्मद यूनुस बंग भवन पहुंचे और फिर उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली। उनके साथ 16 अन्य सहयोगियों ने भी शपथ ली है, जिसमें 2 महिलाएं और 2 हिंदुओं को भी शामिल किया गया है। अंतरिम सरकार के गठन पर प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी ने बधाई दी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो हमास चीफ की मौत पर पहली बार बोला सऊदी अरब, दे दिया इजराइल को तगड़ा झटका। जय दोस्तों आपको बता दें कि तेहरान में इस्माइल हानिया की हत्या को लेकर सऊदी अरब की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसने इजराइल की नींद को उड़ा दिया है। सऊदी अरब का कहना है कि ये हत्या ईरान की संप्रभुता का घोर उल्लंघन है। बीते रोज 7 अगस्त को इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक हुई थी। इस बैठक में सऊदी अरब के उप विदेश मंत्री द्वारा ये बात कही गई है। OIC की बैठक के बाद ये कहा गया है कि इस प्रकार के हमले के लिए वह इजराइल को जिम्मेदार मानता है। इस बैठक की अध्यक्षता गाबिया के विदेश मंत्री ने की है। गाबिया के विदेश मंत्री ने भी सऊदी की तरह ही मिलती जुलती टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि हानिया की हत्या से मिडिल ईस्ट में वार की स्थिति पैदा होने का खतरा है। OIC की बैठक में ये भी कहा गया है कि इस्लामिक देशों को इजराइल से अपनी रक्षा करनी होगी। हालांकि इस्माइल हानिया की मौत की जिम्मेदारी अब तक इजराइल ने नहीं ली है और ना ही इसे लेने के लिए वो कह रहा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बताया कर्म का फल, का फिलिस्तीनियों की मौत पर हंस रहे थे हिंदू। जदोसा आपको बता दें कि बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार गिरने के बाद हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को AIMM के एक नेता ने कर्म का फल बताया है। खुद को AIMM दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बताने वाले डॉक्टर सोएब जोइम ने कहा कि फिलिस्तीन और रोहिंग्या मुसलमानों के नरसंहार का मजाक उड़ाने वाले लोग आज दुखी और चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि इसे कर्म का लौटकर आना कहते हैं।
शोएब का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी सहित भाजपा के कई नेताओं ने दावा किया था कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, इसलिए सरकार इस पर रोक लगाने की मांग करे और भारत सरकार हिंदुओं की मदद करे। लेकिन AIMM ने कहा है कि जहाँ फिलिस्तीनियों को जिंदा मारा जा रहा था, उनके साथ गलत काम किया जा रहा था, रोहिंग्या मुसलमानों को म्यांमार में मारा गया, तब भारत के हिंदू और बांग्लादेश के हिंदुओं ने मजाक उड़ाया था और खूब मजे लिए थे, लेकिन आज जब उन पर बीत रही है तो वो इसको अत्याचार बता रहे हैं।